मेरे साथ निकालिए एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2, इफिसियों दूसरा बाब और उसका दूसरी आयत। यहां से हम लेते हैं और फिर देखते हैं खुदा क्या बात कर रहा है। जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर कर रही है। किसके बारे में ये बोला जा रहा है, कोई बता सकता है? कौन सी रूह की पैरवी कर रहे हैं हम लोग? ये खुदा के रूह की बात हो रही है या इबलीस के रूह की बात हो रही है या इबलीस की बात हो रही है? क्योंकि लिखा है अब वो नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर कर रही है। कौन सी रूह हो रही है, कोई बताएगा? इबलीस के बारे में बात हो रही है। और इबलीस को ऊपर क्या लिखा हुआ है, जिसमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पे चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम, यानी इसको इंग्लिश में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रिंस ऑफ एयर लिखा हुआ है, यानी रूलर लिखा हुआ है जो हवाओं को कंट्रोल करता है। शैतान जो है ये प्रिंस ऑफ एयर है, हवाओं को कंट्रोल करने वाला ये शैतान है। जब मुकाशवा की किताब आप पढ़ते हैं वहां पे लिखा है खुदा ने जब शैतान को आसमान पे से नीचे फेंका तो वो तीसरे आसमान से वो पहले आसमान पे आया या वो जमीन पे आया, लेकिन वो आसमानों को कंट्रोल कर रहा है। वो तीसरे आसमान पे तो नहीं है लेकिन पहले आसमान पे है और आसमान के नीचे जितनी भी हवाएं हैं उसको वो कंट्रोल कर रहा है। क्या आप बिलीव करते हैं? ये कलाम बोल रहा है। एक दफा खुदावंद यीशु मसीह समुंदर पार करके दूसरी तरफ जाना था क्योंकि एक आदमी था उसमें बदरुओं का लश्कर था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको लश्कर में से आजादी देनी थी, लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब वो बीच समुंदर में थे तब शैतान ने अपनी इस पावर को यूज किया और शैतान ने हवाएं और आंधियां भेजी उस समुंदर पे, जिसकी वजह से उस समुंदर में तूफान उठने लगा और वो तूफान का जो मेन मकसद था वो ये था किसी तरह से उस कश्ती को डुबा दें, खुदावंद यीशु मसीह उनके शागिर्दों को डुबा दें ताकि उस जगह तक वो ना पहुंच सके जहां पे उन्होंने उस शख्स को आजादी देने के लिए जाना है। तो बाज़ दफा हम अपनी जिंदगी में मुखालिफ हवाओं को फेस करते हैं। हमारे 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 दफ्तरों में जहां पे आप लोग काम करते हैं आपको फील होता है कि यार मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है मुखालिफ हवा मेरे खिलाफ चल रही है। कभी आपको अपने खानदानों में ये फील होगा कि खानदान में आप क्या महसूस कर सकते हैं, खानदानों में आपको फील होने लगता है कि कुछ हवा है जो मेरे मुखालिफ चल रही है, हर कोई मेरे खिलाफ बात कर रहा है, या ससुराल में हर कोई मेरे खिलाफ बात कर रहा है, या महके में हर कोई मेरे खिलाफ बात कर रहा है, आपको फील होता है कि कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट में चल रहा है। ये क्या है, ये शैतान काम कर रहा है। वो कौन सी किस चीज का हाकिम और रूलर और प्रिंस है, वो हवाओं को कंट्रोल करता है। जितनी भी दुनिया में हवाएं चलती हैं, चाहे वो रियल हवाएं, चाहे वो स्पिरिचुअल हवाएं, चाहे वो रूहानी हवाएं जो आपकी मुखालफत करती हैं, शैतान उनको कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद के वो इन हवाओं को कंट्रोल कर रहा है, वो इस सारे क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है, उसके बावजूद वो सिर्फ प्रिंस है, उसके बावजूद वो सिर्फ हाकिम है, क्योंकि एक बादशाह है जो उससे भी ऊपर बैठा हुआ है। कौन है वो बादशाह? खुदावंद यीशु मसीह। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि जब शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह के सामने वो आंधियां भेजी और वो तूफान उठे तो खुदावंद यीशु मसीह ने आंधियों को भी डांटा और तूफान को भी डांटा और सब साकित हो गए। इसका मतलब ये है शैतान भले कितनी भी आंधियां उठा ले, कितने भी तूफान उठा ले, उससे ऊपर हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। अगर खुदावंद यीशु मसीह कुछ कहेगा तो वो सारे तूफान, वो सारी आंधियां थम जाएंगी और आपकी जिंदगी में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। फिर तूफान भी उठेंगे, फिर आंधियां भी उठेंगी, फिर प्रॉब्लम भी दाएं बाएं लेफ्ट राइट हर जगह प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आएंगी और आप परेशान हो जाएंगे कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे थमाऊं। तो जिस तरह शैतान के पास ये हवाओं का कंट्रोल है, इसी तरह कुछ इनसे बढ़कर हवाएं हैं जो खुदा के कंट्रोल में, और उन्हें कहते हैं विंड ऑफ हेवन। क्या कहते हैं उसे? विंड ऑफ हेवन, विंड्स ऑफ हेवन, क्योंकि वो मशरिक मगरिब शुमाल जनूब
वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण खुदावंद ये चार हवाएं चलाता है और वो कब चलाता है खास खास मौकों के लिए वो हवाएं रिलीज करता है खास खास टाइम पे वो खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में उन हवाओं को रिलीज करता है और वो जब हवाएं रिलीज होती हैं तो वो आपकी जिंदगी में कुछ काम करती हैं मैंने फिर से बोलना है फिर से समझ लें शैतान इस दुनिया की हवाओं को कंट्रोल करता है वो आपके खिलाफ उसको इस्तेमाल करता है लेकिन खुदा के पास इससे भी पावरफुल हवाएं हैं इससे भी पावरफुल हवाएं हैं और खुदा खास खास मौकों पे वो हवाओं को रिलीज करता है खास खास ओकेजन पे कोई खास मकसद होता है उस जगह पे खुदावंद जो है उन हवाओं को रिलीज करता है और हर हवा अगर कोई मशरिक से हवा खुदा रिलीज कर रहा है तो उसका डिफरेंट काम है मगरिब से जो हवा आ रही है उसका डिफरेंट काम है अगर शुमाल से आ रही है उसका डिफरेंट काम है अगर जनूब से आ रही है उसका डिफरेंट काम है तो खुदावंद अपने लोगों की दुआओं के बदले में इन हवाओं को रिलीज करता है हमने इस चर्च में मशरिक मगरिब शुमाल यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तीन हवाओं को इस जगह पे सीख लिया है आज हम चौथी हवा के बारे में सीखेंगे और चौथी हवा कौन सी है साउथ विंड जिसे कहते हैं शुमाली हवा और आपको ये जानने की जरूरत है कि ये शुमाली हवा कब चलती है किन मौकों पे खुदा इस हवा को अपने लोगों के लिए रिलीज करता है पहली चार चीजें बताऊंगा ध्यान से अगर आप में से कोई शख्स उन चार चीजों में शामिल है उन चार में से किसी एक चीज में शामिल है तो खुदा उसके लिए आज रात इस हवा को रिलीज करेगा पहली चीज अगर आप बद से बदतर हालात में से गुजर रहे हैं एक तो होता है बद हालात बुरे हालात लेकिन एक होता है बुरे से भी बुरे हालात इंतहाई अगर आप बदतरीन हालात में से गुजर रहे हैं खुदा ये हवा आपके लिए रिलीज करता है दूसरी चीज जब आप किसी किस्म की कैद में होते हैं या किसी किस्म की भीड़ियों में आप बंधे होते हैं तब खुदा इस हवा को रिलीज करता है चाहे वो जेल की कैद है चाहे वो किसी भी चीज की कैद है आपको पता है ये मोबाइल भी जो है एक बेड़ी है बच्चों को हमारे बच्चे हैं दूसरे बच्चे हैं आप देखें वो टिके हुए हैं इसका मतलब क्या है ये मोबाइल ने उनको जकड़ा हुआ है तो किसी भी किस्म की बेड़ियां जिसने आपको जकड़ा हुआ है और आप उससे आजादी चाहते हैं आप उससे रिहाई चाहते हैं खुदा इस हवा को आपके लिए रिलीज करता है तीसरी चीज आप में और दुनिया में फर्क है आप खुदा के लोग हैं आप खुदा के बेटे बेटियां हैं आप खुदा के कबीले के लोग हैं आप शाही कायनों का फिरका और जिंदा कौम है तो आप दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं है आपका वतन आसमान पे हम दुबई में हैं लेकिन यहां पे हम इमारती नहीं है राइट इसी तरह हम दुनिया में हैं, लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं। तो जब आपको लोग दुनिया की तरह ट्रीट करें जब आपको गधे घोड़ों में फर्क खत्म हो जाए और आपको एक ही नजर से देखा जाए जैसे वो हैं वैसे ही आप हो अगर इस तरह से आपको देखा जाए तो उस टाइम पे खुदा इस हवा को रिलीज करता है और चौथी चीज खुदा इस हवा को किस लिए रिलीज करता है कि उन सारी जगहों में से ये सारे प्रॉब्लम जो मैंने आपको तीन बताए हैं इन सारी चीजों में से आपको वो हीरो बना के खड़ा करना चाहता है हालेलुया मेरे साथ निकालिए एमाल उसका 27 बाब और उसकी 13वीं आयत 13वीं और 14वीं एक्ट्स 27:13-14 अब सुने देखें क्या लिखा हुआ है जब कुछ कुछ दखना हवा चलने लगी इंग्लिश में लिखा है एंड व्हेन द साउथ विंड ब्लू सॉफ्टली इसका मतलब है कि ये डिफरेंट हवा है ये खास हवा है जो बाइबल में जिसका जिक्र है और लिखा हुआ है कि जब कुछ कुछ हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझ कर कि हमारा मतलब हासिल हो गया है लंगर उठाया और करीते के किनारे से करीब करीब चले अब सिर्फ मैं एक आयत बताइए इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं लेकिन यहां पे आपको दिखाने वाली बात क्या है एंड व्हेन द साउथ विंड ब्लू सॉफ्टली तो ये पूरी स्टोरी क्या है ये पौलुस रसूल के बारे में पौलुस रसूल के दिल में ख्वाहिश थी
और ख्वाहिश वो एक अजीब गरीब ख्वाहिश थी जो मैं समझता हूँ हर मसीह के दिल में होनी चाहिए। पौलुस रसूल के दिल में ख्वाहिश थी कि उस जमाने की किंगडम का सबसे बड़ा जो आदमी है उसका नाम है किंग सीजर, जिसे कैसर कहते हैं, उसने कैसर के सामने यीशु की गवाही देनी थी। अब आप देखें पौलुस किधर है और उसका सोच किधर है कि जो इस वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा रूलर है उसको उसने यीशु की खुशखबरी सुनानी थी। और ये उसकी ख्वाहिश कितने लोग समझते हैं गलत नहीं है, जायज है, राइट है। मैं आपसे पूछता हूं, आप भी मसीह हैं, आप में से कितने लोगों की ख्वाहिश है कि अपने मैनेजर को, सुपरवाइजर को आप यीशु की अंजील के बारे में बताएं? प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ सामिया सिस्टर का हाथ उठाए, सुरजीत भाई का भी हाथ उठाए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हैं काफी सारे। अब दूसरा सवाल, कितने लोग हैं जिनमें ख्वाहिश है कि जिस कंपनी में काम करते हैं उसके मालिक को खुदावंद की खुशखबरी सुनाए? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस मुल्क के किंग के सामने यीशु की खुशखबरी देना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास पौलुस जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हालेलुया। तो ये मामूली चीज नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह ने इस अच्छी ख्वाहिश को के लिए पौलुस को वेट कराया। यशब सुन रहे हो, इस अच्छी ख्वाहिश के लिए पौलुस रसूल को खुदा ने वेट कराया। और कितना वेट कराया? एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, चार साल नहीं, पांच साल नहीं, छह साल नहीं, बीस साल वेट किया उसने। बास दफा हमारे दिल में ख्वाहिशें अच्छी होती हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं और हम कहते हैं खुदावंद मेरे दिल में किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये काम मेरे जरिए हो क्यों नहीं रहा है? खुदा का अपना एक अपॉइंटेड टाइम है, खुदा उस टाइम पे करता है। इतने साल वेट करने के बाद पौलुस रसूल ने इस अरसे में बहुत सारे चर्चेस बना लिए, बहुत सारी कलीसियाएं खड़ी कर ली, बहुत सारे मुकद्दस लोग तैयार कर लिए, बड़ा उसने काम किया। और 20 साल के बाद पौलुस रसूल को खुदा ने बोला, मैं अब तुझे कैसर से मिलाऊंगा और तूने वहां पे मेरे नाम की गवाही देनी है। अब पौलुस रसूल अपने सर्कल में एक बड़ा बेनी हिन बन गया था, पास्टर अनकुर नोरालिया की तरह बन गया था, पास्टर अफजल कौन है, अनवर फजल की तरह बन गए थे। पौलुस का बड़ा नाम था और पौलुस सोच रहा था कि अब लोग, सारी दुनिया मुझे जानने लगी है, अब जब मैं किंग से बात करूंगा तो बराबरी की बात होगी, मैं एक रूहानी पेशवा हूं, एक रूहानी लीडर हूं और वो किंग है, तो मैं जब उससे बात करूंगा तो बराबर बराबर की बात होगी। लेकिन खुदा के जहन में प्लान वो नहीं था कि पौलुस उसके सामने इस तरह जाए जिस तरह कोई रूहानी पेशवा जाता है, बल्कि खुदा ने कुछ हालात को ऐसे आने दिया, उन हालात में पौलुस को गिरफ्तार कर लिया गया। और पौलुस को गिरफ्तार जब कर लिया गया तो उसे कैदी की सूरत में बादशाह के सामने हाजिर होना था। उस जमाने में जो रूलर था उसका नाम था उसका मुझे देखना पड़ेगा नहीं 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 फेस्टिस, उसका नाम था फेस्टिस। फेलिक्स जो रूलर था उस जमाने में, एक फेलिक्स था, उसने पौलुस रसूल को गिरफ्तार किया और बंद कर दिया। उसके बाद भूल गया कि इसको मैंने केस लड़ना है, इसको आजाद करना है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। दो साल तक वो अंदर रहा, उसमें फेलिक्स की डेथ हो गई, एक और नया रूलर आ गया, उसका नाम था फीटस, फेस्टिस, ओके थैंक यू, फेस्टिस आया। और फेस्टिस ने पौलुस को ये बताया कि मैं तुझे किंग के सामने पेश करूंगा। और उसने 276 कैदी लिए और 276 कैदी उस जमाने में जिनको किंग के सामने हाजिर होना था उसमें पौलुस को भी रखा। अब आप देख लें कि जो गधे घोड़े सब एक साथ ही हो गए थे। अब पौलुस रसूल कोई रूहानी पेशवा नहीं था, अब बिल्कुल पौलुस रसूल का हाल उन कैदियों की तरह था। 276 कैदियों को लिया और उसको एक सूबेदार के हवाले किया जिसका नाम था जूलियस। और जूलियस का काम क्या था? जूलियस का काम यह था कि उसने कैदियों को हिफाजत से किंग के पास पहुंचाना है। ये लोग यरूशलम में थे, इनको रोम में जाना था और एक लंबा सफर था, और लंबे सफर के लिए उन्होंने इनके लिए जहाज, पानी का जहाज अरेंज किया और
जूलियस को मुकरर किया कि तू इनका सूबेदार है और तू इनका ख्याल रखना, इनके रोटी पानी का, इनके खाने पीने का, इनकी सारी एक्टिविटी का ख्याल रखना है, जंप मार के भाग ना जाए, सारी चीजों का ख्याल रखना। और जूलियस ने इस जिम्मेदारी को लिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उन लोगों का हमेशा शुक्र अदा करें जिनको खुदा ने आपके ऊपर मुकर्रर किया है, जो आपको हमेशा देखते रहते हैं, जो आपको हमेशा टोकते रहते हैं, जो आपको बताते हैं कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमें कांटे की तरह चुप रहे होते हैं। कितने लोग जानते हैं, मेरी अपनी मामा से नहीं बनती थी क्योंकि वो बहुत टोकती थी, हर चीज में मुझे टोकती थी, लेकिन वो टोकना कांटे की तरह था उस टाइम पे, लेकिन शायद वही वजह है कि मैं आज यहां पे खड़ा हूं। तो हर वो शख्स जो जिसको खुदा ने आपके ऊपर इंचार्ज मुकर्रर किया है, चाहे वो आपका घर वाला है, चाहे आपका शौहर है, चाहे आपका फादर है, चाहे मदर है, चाहे आपका रूहानी बाप है, कोई भी आपके ऊपर मुकरर किया है, जो देख रहा है आपको, आपकी एक्टिविटी को देख रहा है, जो आपको बोलता है ये तुमने स्टेटस कैसा लगाया हुआ है, इसको चेंज करो, ये स्टेटस चेंज करो, तो जो आप पे नजर रखा हुआ है उसको आपको शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से आज आप यहां पे बैठे हैं। तो तीन लोगों की बात करूंगा, एक जूलियस था, एक उसमें पौलुस रसूल था जो हमारा एक रूहानी पेशवा, एक रसूल है, और एक जहाज का कैप्टन था। तो पौलुस रसूल को रोम लेके जाना था 276 कैदियों के साथ, और उस टाइम पे उसको ट्रीट कैसे किया जा रहा था, बिल्कुल आम लोगों की तरह। मैंने बोला कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, कंडीशन ये जब आप बदतरीन हालात में से गुजर रहे हो। पौलुस को कैद में पकड़ा गया, 2 साल तक उसका मुकदमा नहीं लड़ा, अभी वो बिल्कुल बहुत अपनी जिंदगी के टफ तरीन हालात में से गुजर रहा है, उसको आम लोगों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और वो कैदी है, जकड़ा हुआ है, जंजीरों में, बेड़ियों में उसे डाला हुआ है, और उसको इस तरह से लेके जा रहे हैं। तो पूरी कंडीशंस पूरी होती हैं, और उस टाइम पे जब उनको जहाज में डाला गया, तो उस टाइम पे वो जो जूलियस था उसने उससे पूछा, जहाज के कप्तान से पूछा, हाँ भाई सफर ठीक है, चल सकते हैं हम लोग, रोम तक पहुंच जाएंगे। कैप्टन कौन था, कैप्टन एक तजर्बेकार आदमी होता है, उसने पढ़ाई लिखाई करी होती है, उसने पानी पे जहाज चलाए होते हैं, उसको तजर्बा होता है, वो मौसम देखता है, वो पानी को देखता है, हर चीज का उसे तजर्बा होता है, और उसकी बात को आप ठुकरा नहीं सकते, उसकी बात को आप रद्द नहीं कर सकते। लेकिन आप 27वां चैप्टर अगर पढ़ेंगे, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मुझे जल्द अज जल्द खत्म करना है, 27वां चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कप्तान ने बोला सब चीजें ठीक है, ग्रीन सिग्नल मिल गया, लेकिन पौलुस ने बोला इस सफर को आगे नहीं बढ़ाओ, इस सफर में प्रॉब्लम है, इस सफर में मुश्किलात हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी जिंदगी के जब फैसले करते हैं तो किन से राय लेते हैं? मैं अपने बच्चों के लिए राय लेता हूं उन लोगों से जो इस दुनिया की तालीम जानते हैं, इस दुनिया का एक्सपीरियंस जानते हैं, जो मुझे बताते हैं कि आज इस फील्ड में बड़ा पैसा है, इस फील्ड में अपने बच्चों को डालो, याली पढ़ाई कराओ, याली पढ़ाई कराओ, ये कराओ, वो कराओ। हम किन लोगों से मशवरा लेते हैं जो अपने काम के माहिर होते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कभी खुदा के खादमों से पूछा है कि इस बच्चे को हम किस राह में तरबियत करें, किस राह में इसको लेके जाए हम? समझ आ रही है? उसने कैदी बन के उसने बोला ये जहाज का सफर खतरनाक है, आप इसे कंटिन्यू नहीं करें, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने उसकी बात मानी जो तजर्बे वाला आदमी था, जिस तरह हम और हमारे माँ बाप, या हम लोग एज ए माँ बाप हम लोग इसी तरह करते हैं कि खुदा के खादिम की बात को हम एक तरफ रख देते हैं और दुनिया के तजर्बे, दुनिया के हालात की नज़र से देख रहे होते हैं, हाँ जी कंप्यूटर की फील्ड अच्छी है, इसमें जाना चाहिए, फलां जगह पे जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, इसमें हमारा बच्चा अच्छा कामयाब रहेगा। लेकिन हम कभी खुदा के खादमों को पूछते नहीं हैं कि क्या करें। हालेलुया। बाइबल बताती है जब सब चीज़ें ऐसी थी, हर चीज़, तब खुदा ने कौन सी विंड भेजी? जब कुछ कुछ दखना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझ के कि हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और करीते के किनारे किनारे उन्होंने देखा हवा पीछे से चल रही है और खूबसूरत हवा चल रही है, कोई नजर नहीं आ रहा कि ये तूफान में बदल जाएगी। ये हवा उनके फेवर में थी, उनके पीछे चल रही थी,
और उनके तजर्बे, उनकी हर चीज बोल रही थी कि हमें ये सफर स्टार्ट करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने गो हेड करी और आगे बढ़ना शुरू किया। चौथी आयत, इसकी अगली आयत पढ़ लें, देख लें क्या हुआ है। लेकिन थोड़ी ही देर में एक बड़ी तूफानी हवा जो योर क्लोन कहलाती है, करीते से पर से जहाज पर आई। ये एक ऐसी हवा है जो शायद मैंने किसी से सुना था कि 300 साल के बाद ये हवा चलती है। ये जो योर क्लोन है, इसका आगे जब बाप पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा 14 दिन तक ये समुंदर में तूफान मचाती रही, बड़ी बड़ी लहरें, और ऐसा बुरा हाल हो गया जहाज का कि जहाज की सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी, उनको उन्होंने सारा कंट्रोल छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी, क्योंकि इस तूफानी हवा की वजह से कोई चीज उनके कंट्रोल में नहीं आ रही। हम अपनी जिंदगी का आगाज बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से, जब फेवर में हवा चल रही होती है, हाँ जी यहां से हमने दुबई जाना है, सारी चीजें क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, चलो चलते हैं, किसी को नहीं पता दुबई में तूफानी हवा बैठी हुई है, इंतजार कर रही है, कितने लोग जानते हैं। तो हम अपने सफर का आगाज इस तरह करते हैं, और आज खुदा आपको क्या बता रहा है, जब आपको नजर आए सारी चीजें फेवरेबल हैं, जब आपको नजर आए सब चीजें सही बढ़िया चल रही हैं, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि शैतान ने आपके लिए एक बीच का पॉइंट रखा हुआ है, इन द मिडिल। जब आप बीच में पहुंचते हैं ना, तब आपके पास वापसी भी मुश्किल है, आपके पास आगे जाना भी मुश्किल है। तो शैतान वेट करता है उस टाइम का जब आप पीछे भी ना जा सके, जब आप आगे भी ना जा सके। मुसरफ बेटे ने बाप से सारी दौलत ली और दूर चला गया, और वहां पे अय्याशी में उसने पैसा खर्च किया, लड़कियों पे पैसा खर्च किया, वो काफी दूर जब चला गया ना, उसके बाद शैतान ने अटैक किया, और बाइबल बताती है कि उस मुल्क में काल पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया, और वो सुअरों का खाना खाने लगा। हालेलुया, वो सुअरों का खाना खाने लगा, यानी उसके पास अब मौका नहीं था मैं पीछे जा सकूं या आगे बढ़ सकूं। हालेलुया, एक और सामरी था जो नेक सामरी के तौर पे कहलाया जाता है, वो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, आधे रास्ते में पहुंचा तो शैतान डाकुओं ने उस पर हमला किया, उसका सब कुछ लूट लिया। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, सब बढ़िया चल रहा होता है, कुछ नहीं पता, सब ऐसा लगता है सब सही है यार, आप चर्च नहीं आएंगे ना, ऐसा लगेगा सही है यार, चर्च नहीं जा रहा था पहले, जा रहा था तो भी ऐसे ही चल रहा था, अब नहीं जा रहा हूं तो भी ऐसे ही चल रहा है, सब ठीक है, तो ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है जब आप इतना दूर निकल जाएं कि वापसी मुश्किल हो, उस टाइम पे शैतान ने अटैक किया, और उस टाइम पे इस हवा ने अटैक किया, और जब इस हवा ने अटैक किया, तब खुदा ने इस चीज को दिखाया कि जब मैं मशरकी हवा भेजता हूं, आप में से कोई भी शख्स अगर इस वक्त इस तरह के बदतरीन हालात में से गुजर रहे हैं, आपको मिसट्रीट किया जा रहा है, आपको इल ट्रीट किया जा रहा है, आपके साथ सही तौर पे सलूक नहीं किया जा रहा, आपके काम की जगहों पे, आपके रिश्तेदारों में, आपके ससुराल में, आपके कहीं पे भी अगर आपके साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा, आपको लगता है मैं नशे की हालत में जकड़ा हुआ हूं, मैं सिगरेट नोशी, मैं क्या कहते हैं गुटखा, मैं शराब नोशी, मैं मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों में पड़ा हुआ हूं, अगर आप लगता है फंसे हुए, तब खुदा आपकी जिंदगी के लिए ये हवा को रिलीज करता है, और दुश्मन जितने होते हैं वो समझते हैं फेवर की हवा है। आई समझ में? दुश्मनों को नजर आ रहा है ये तो फेवर की हवा है, चलो, और जैसे ही वो आगे बढ़े तो तूफान ने उन पर अटैक किया। अब मैं आपको आयतें पढ़ाता हूं और उसमें से कुछ आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स 27 15 नेक्स्ट। और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया। नेक्स्ट। और कूदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में, बहते बहते बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए। नेक्स्ट। और जब मल्ला उसके ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा और सोरस के चोर बालों में धंस जाने के डर से जहाज के साजो सामान उतार लिया और उसे इस तरह बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत अचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे। नेक्स्ट।
और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात और असबाब भी फेंक दिए। पहला लेसन ध्यान से सुनिएगा, जब इनका जहाज इनके कंट्रोल में नहीं आया, जब हालात, जब उस तूफान ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं, तूफान हमारी जिंदगी में मस्ट है, चाहे आप मुकद्दसीन हैं, चाहे आप मसीह हैं, चाहे आप किसी और धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तूफान जरूर आएंगे। यहां पे पानी का तूफान है, मैं आपको दूसरे तूफानों की बात कर रहा हूं। ऐसे तूफान बाज दफा माली तूफान आते हैं, बाज दफा आपकी जिंदगी में पुलिस के तूफान आ जाते हैं, बाज दफा आपकी जिंदगी में वीजे के तूफान आ जाते हैं, बाज दफा आपकी जिंदगी में बेरोजगारी के तूफान आ जाते हैं, बेऔलादी के तूफान आ जाते हैं, बीमारी के तूफान आ जाते हैं, बहुत सारे किस्म के तूफान हैं। और जब तूफान आते हैं तो बाज दफा बाइबल बता रही है कि तूफान इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि आप दाएं बाएं हिल नहीं सकते। कभी आप में से कोई ऐसे तूफान में से गुजरा है जब आपने सोचा हो कि नहीं, अब ये मेरे बस से बाहर है, अब मैं अपने आप को छोड़ देता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे आपका नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूं। हमारी फैमिली का एक दफा 2012 या 14 की बात है, वीजा जो है, जब मैं फैमिली का वीजा लगाने लगा तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांग लिए जो मेरे पास नहीं थे, शॉर्ट कर रहा हूं, और मेरी फैमिली का वीजा नहीं लगा, 6 लोगों का वीजा नहीं लगा, और 2 महीने 3 महीने इनको थोड़ा सा जगाइएगा, नहीं नहीं आप पीछे वाले, हाँ जाग जाएं सर, जाग जाएं। 3 साल वीजा नहीं लगा, कितने साल, 3 साल वीजा नहीं लगा, 3 लाख दरम का फाइन। अब ऐसे हालात में आप क्या करेंगे जब गवर्नमेंट आपकी सुन नहीं रही है, आपके पास वो कागज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। एंड क्या होता है, आप अपने आप को तूफान के हवाले कर देते हैं, अब जाने दो। हमने 6 महीने तक ट्राई करी, 1 साल तक ट्राई करी, किसी तरह से वो कागज हम मुहैया कर दें, जब नहीं हुआ तो हमने बहने दिया, हमने सारी चीजों को जाने दिया। और जब जाने दिया तो बिल्कुल सेम हाल था। मुझे नहीं पता आप में से कभी कोई इस तरह के हालात में से गुजरा है जब उसे लगा हो कि ये तूफान मुझे भागे ले जाएगा, मैं इसमें खड़ा ही नहीं रह सकता, और उस तूफान के जोर पे अपने आप को डाल दिया कि अब खुदा ही बचा सकता है, अब मैं नहीं बच सकता। कितने हैं ऐसे जो इस तरह से गुजरे हैं ऐसे तूफानों में से, प्रेज द लॉर्ड, बेशुमार लोग हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब इस तरह के तूफान आपकी जिंदगी में आए तो पहला लेसन नोट कर लें, पहला लेसन ये था कि उन्होंने वो अनाज जो वो खा रहे थे, उन्होंने जहाज को हल्का करने के लिए वो अनाज फेंकना शुरू कर दिया, जहाज को हल्का करने के लिए, क्योंकि अगर जहाज भारी होगा तो क्या होगा, जहाज डूब जाएगा। इसलिए जहाज हल्का रहेगा तो हल्का होने के सबब से क्या होगा, जहाज तैरता रहेगा। तो वो चीज जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने क्या करा, उस चीज को फेंकना शुरू कर दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए। जहाज को हल्का करने की कोशिश करिए, और मैं ये आज आप सबको बोल रहा हूं, जब आप में से बहुत सारे लोग किसी तूफानों में से गुजरते हैं तो पहला लेसन खुदा जो आप लोगों को बोल रहा है, आपने क्या कर रहा है, आपने अपने आप को हल्का करना है, आपने अपने आप को हल्का करना है। उन सारे लोगों को जिनको आपने दिल में रखा हुआ है, जिनसे एक दिन बदला लेने की आपने कसम खाई हुई है, उन सबको आपने अपने दिल से निकाला, वो सारे लोग जिनको आपने माफ नहीं किया है, आपने उन सबको माफ करना है, अपने आप को हल्का करना है। कोई किसी किस्म की कड़वाहट नहीं रखे, किसी किस्म की नफरत नहीं रखे, कोई ऐसे, मैं आपको बता रहा हूं, जब तूफान आएंगे और उसके साथ आप ये सारी चीजों के साथ लोडेड होंगे, अल्टीमेटली नुकसान आप ही का है, आप डूब के मर जाएंगे। तो बाइबल बता रही है कि जब इस तरह के हालात हो और तूफानों में से गुजर रहे हो, सबसे पहला काम क्या करो, अपने आप को हल्का करो। सारी चीजें, जितने बोझ उठा के खुदा के सामने डाल दो, खुदावन तूने बोला है तू मेरा बोझ उठाएगा, मैं ये सारे बोझ उठा के तेरे सामने रख रही हूं। ये सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे जिंदगी में दुख दिए, तकलीफें दी हैं, मैं इन सबको आज अपनी जिंदगी से, अपने दिल से निकाल के तेरे सामने रख रही हूं। तूने बोला है बदला लेना तेरा काम है, तू बदला लेना। हालेलुया। बाइबल बताती है उसके बाद एक और सीन हुआ कि जब ये सब करने के बावजूद नहीं काम हुआ तो उन्होंने क्या किया, और तीसरे दिन अपने हाथों से जहाज के आलात और असबाब भी फेंक दिए। ये आलात जहाज को डायरेक्शन बताते हैं, कितने लोग समझते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट आलात हैं, इसके बगैर जहाज चलता नहीं है, समझ आ रही है,
ऐसे आलात हैं जिसके बगैर जहाज चलता नहीं है, लेकिन आज ये आलात कोई काम नहीं कर रहे, ये तूफान में से बचा नहीं पा रहे। समझ आ रही है? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में ऐसे आलात हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे दोस्त हैं जिसके बगैर आप चलते नहीं हैं, जिसके बगैर आप जिनके मशवरे के बगैर आप आगे बढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब आप तूफानों में बसेंगे ना, जिस वक्त आपकी जिंदगी में तूफान आएगा, आपके वो सारे अजीज रिश्तेदार, वो सारे दोस्त, कोई आपको इसमें से नहीं निकाल सकता। वो आपके लिए सारे ऐसे हो जाएंगे खोखले। हाँ, कभी ये बड़े इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, हाँ कभी बड़ी जरूरत थी मुझे इनकी, इनके बगैर मेरा जहाज, मेरी जिंदगी नहीं चलती थी, लेकिन आज इस तूफान में मैं बढ़ ही नहीं सकता, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। मुझे उसकी जरूरत है जो तूफानों में जहाज पे नहीं आता है, तूफानों में पैरों पे चल के पानी के ऊपर चल के आता है, मुझे उसकी जरूरत है। बाइबल बताती है इन्होंने वो सारी चीजों को फेंक दिया। और ये मैं आपको भी बता रहा हूं, जब आप अपनी जिंदगी के तूफानों में से गुजर रहे हो, तो वो लोग जो फ्री मशवरा देने वाले कितने देखे आपने, आपको मशवरा चाहिए नहीं चाहिए, वो आएंगे और आपको मशवरा देंगे। वो जितने भी मशवरे वाले हैं ना, उन्हें बोले यार मुझे ये नहीं सुनना कि तूफान कैसे आया, मुझे ये नहीं जानना मेरी गलती है, मेरे घर वालों की गलती है, मेरे बाप दादा की गलती है, मुझे सलूशन चाहिए, मैं सलूशन क्या करूं। अय्यूब के पास उसके दोस्त आए और उसको मशवरा क्या दे रहे हैं, ये वजह हुई होगी, ये वजह हुई, तूने गुनाह किया होगा, तूने ऐसा किया होगा। उस टाइम पे जब आप प्रॉब्लम में से खुद गुजर रहे हो, किसके मशवरे आपको चाहिए? रियाना सिस्टर बताइए, किसी के मशवरे नहीं चाहिए आपको। हमें मशवरे वाला नहीं चाहिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो हमारी मदद के लिए, हमें वो लोग चाहिए जो इस तूफान में से निकाल सके। और कोई तूफान में से नहीं निकाल सकता, वो निकाल सकता है जो तूफानों पे चलता है। हालेलुया। आपको कोई शिप नहीं निकालेगा, आपको रिलेशनशिप खुदा के साथ निकालेगी तूफान से। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उन्होंने वो सारी चीजें फेंकना शुरू कर दी। एक टाइम आया, 10-15 मिनट, एक टाइम आया, यहां से पढ़िएगा 18, 19, 20, हाँ नेक्स्ट। और जब बहुत दिनों तक सूरज नजर नहीं आया, तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं रही है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी सिचुएशन थी? ये सफर शुरू हुआ था एक मशरक की हवा से, बड़ी खूबसूरत हवा, फेवरेबल हवा, ऐसा लग रहा था सब सही चलेगा, लेकिन उसके बाद ही फॉरन अटैक हुआ। और ऐसा अटैक, बाइबल बताती है 14 दिन तक ये लोग फंसे हुए थे, 14 दिन तक ये हाल था। और 14 दिन अब ये हाल हो गया था कि सब जगह तारीख हो गई, दिन में भी रोशनी नहीं है, सूरज नजर नहीं आ रहा, कोई सितारे नजर नहीं आ रहे, तारीख ही हो गई है। और मैं बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हालात में से गुजरे हैं जब उनके आगे तारीखी आ जाती है, कोई सलूशन समझ में नहीं आता, यार हम यहां रहे, हम पाकिस्तान चले जाए, यहां रहे, हम इंडिया वापस चले जाए, अब हम करें क्या, ये केस हम पे हो गया है, ये किस तरह से हम पूरा करेंगे, इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हमारी जिंदगी के आगे अंधेरा आ जाता है, और हम नहीं समझ पाते हैं कि हम उसमें से किस तरह निकलेंगे। बाइबल बता रही है कि इनके साथ भी सेम सिचुएशन आई है। अंधेरा जब आता है, आपको कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती है, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती है, कितने भी तारीख हालात हो, अगर एक छोटी सी उम्मीद की किरण है ना, तो आपके लिए काफी है, आपको हौसला है। कितने लोग समझते हैं, एक उम्मीद की किरण छोटी सी हमारी जिंदगी को आसरा देती है, उम्मीद देती है कि यार निकल आएंगे, हम निकल आएंगे। आज अपने बराबर वाले को बोले, इस तूफान में खुदा आपको मरने नहीं देगा। बोलिए, फिर से बोले, दिल से बोले, खुदावंद इस तूफान में आपको मरने नहीं देगा। बोले 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 बोले, प्रोनाउंस करें एक दूसरे के ऊपर। अब बोले, इस तूफान में खुदा आपको बाहर निकालेगा। बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह जो उम्मीद का सरचश्मा है। जब आपकी जिंदगी में उम्मीद नहीं होती है ना, तो तारीखी होती है। लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए
खुदा ने हमें बोला है कैसे भी सरकमटेंसेस हो, कैसे भी हालात हो, कैसे भी तूफान हो, अगर आपके पास यीशु है आपके पास उम्मीद है। अगर आपके पास यीशु है आपके पास उम्मीद है। अगर यीशु नहीं है तो जाके सोनापुर के हॉस्पिटल में मुर्दा खाने में जाके देख लें कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली है। नौजवान जहीन पढ़े लिखे बेशुमार लोग आपको नजर आएंगे जो खुदकुशी करके बैठे हैं। क्यों? कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कभी कभी आप लोग जरूर ऐसे ही जैसे आप मॉलों में जाते हो ना, कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करो, सीरियस बोल रहा हूं, और जाके डेट पढ़ा करें कि यार ये इतना पैदा हुआ और ये इतने दिन के बाद मर गया, ये जवान होके मर गया, ये बचपने में मर गया। आपको जब पढ़ेंगे ना आपको अंदाजा होगा लोग कैसे कैसे, कुछ लोगों को माँ बाप ने अपने हाथों से कत्ल किया। क्यों? क्योंकि वो उन हालात में अपने बच्चों को सिसकते मरते देख नहीं सकते थे। मेरा सगा मामूजाद भाई, उसकी उसके हालात इतने ज्यादा खराब थे, इतने ज्यादा खराब थे, हमें किसी को नहीं पता था। अगर पता होता तो यकीनन ये एक तो पाकिस्तानी इंडियन में गैरत नाम की जो चीज है ना, ये सब कुछ बर्बाद कर देती है। आपको मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप में से कोई भी यहां पे अगर किसी भी किस्म की तकलीफ में और ऐसे लेवल पे पहुंच गए जहां पे आप खुदकुशी का सोच रहे हैं, आप प्लीज मेरे से बात करें। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और आपको आस उम्मीद देंगे, आपको बाहर निकालेंगे, ये मेरा वादा आपसे। हो सकता है हम कुछ ना कर सके लेकिन आपको जिंदा जरूर रखेंगे। हालेलुया। उस मेरे मामूजाद ने उसकी बीवी ऐसे हाल, उसके एक छोटा बच्चा था 1 साल का या 1.5 साल का, बिलीव करें उसने अपने बच्चे को अपने साथ चिमटाया, तेल छिड़का, आग लगा दी। क्या चीज नहीं थी? उम्मीद नहीं थी। उसे लग रहा था बस खत्म, अब कोई होप नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें आमिर भाई, वेट कर लें। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। जितने लोग इस वक्त तूफानों में से गुजर रहे हैं, खुदा आपसे बोल रहा है घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, खुदावंत पे भरोसा रखें। खुदावंत पे भरोसा करने वाले असर नौ अकाब की माने जवान होंगे। खुदा दोबारा से नया जोर देगा, खुदा दोबारा से आपको उठाएगा, उठा खड़ा करेगा, सारी शर्मिंदगी आपकी खत्म करके खुदा आपको डबल ऑनर देगा। हालेलुया। फिक्र नहीं करें, खुदावंद यीशु मसीह उम्मीद का सरचश्मा है। बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, टाइम कम है, मुझे उनको बुलाना है। मैं सिर्फ आपको आगे शॉर्टकट दिखा रहा हूं, हुआ क्या है एंड में, आप पढ़ लें जरा आखिरी आयत पढ़ लें। ये जहाज टूट गया, पूरा जहाज टूट गया, ये लोग तख्तों पे बहते हुए ये लोग उधर पहुंच गए किनारे पे। सुन रहे हैं आप लोग, ये जहाज पूरा टूट गया, 276 कैदी तख्तों पे बहते हुए पकड़ पकड़ के आखिर सबके सब बच गए, क्योंकि पौलुस ने बोला था कोई नहीं मरेगा, सिर्फ जहाज टूटेगा। और वो किनारे पहुंच गए, किनारे पहुंचे, जिस जगह पहुंचे उस आइलैंड का नाम, उस जजीरे का नाम था माल्टा। वहां पे हमारे एक भाई जाने वाले हैं जल्दी। उस माल्टा के जजीरे में उनके साथ क्या हुआ, आप जरा वो हवाला पढ़ ले, रीड फ्रॉम 28:1, नेक्स्ट चैप्टर 1। जब हम पहुंच गए तो जाना इस टापू का नाम माल्टे है, और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी करी, क्योंकि मी की झड़ी थी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर करी। ये सारा हवाला मैंने एक अलग मैसेज इस हवाले पे किया हुआ, आप वो जाके देख सकते हैं, पढ़िए। सिर्फ मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। नेक्स्ट, जिस वक्त उन अजनबियों ने यानी वहां के माल्टा के लोगों ने देखा कि वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा, तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचा ये समुंदर से बच गया है तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। यानी फौरन लोग राय कायम कर लेते हैं। कितने लोग जानते हैं कि लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो राय जरूर कायम कर लेते हैं। ये यकीनन इसके साथ ये हुआ है।
ये ऐसा है। तो इन लोगों ने भी राय कायम कर ली है कि भले समुद्र से बच गया है लेकिन सांप से नहीं बचेगा। नेक्स्ट, उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा। नेक्स्ट, मगर वो मुंतजर थे कि उसका बदन सूज जाए या ये मर कर यकायक गिर पड़ेगा, लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा तो और ख्याल करके ये तो कोई देवता है। सेकंडों में विचार चेंज हो गए, ख्यालात चेंज हो गए। अभी वो खूनी था, अभी गुनाहगार था, जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, 276 के बारे में नहीं, उसके बारे में जो खुदा का बंदा है, जिसके लिए खुदा ने मशरिक की हवा भेजी है, उसके लिए ये लोग बोल रहे हैं ये कोई देवता है। आगे देखें क्या हुआ है। वहां से करीब पब्लिस नाम इस टापू के सरदार की मुल्क थी, उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी करी। ओके, और ऐसा हुआ कि पब्लिस के बाप को पेचिश की वजह से बीमार पड़ा हुआ था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ करी और उस पर हाथ रखे और शिफा दी। सुने हुआ क्या एंड में कि उधर का जो रूलर था उसने पौलुस को अपने घर पे खाने पे दावत दी, और जब दावत दी तो पता चला उस रूलर का जो बाप है उसको पेचिश की वजह से बीमार है। तो पौलुस ने बोला लेके आओ, तुम इधर लेके आओ, मैं उसे उसके लिए दुआ करता हूँ। पौलुस ने दुआ करी और शिफा दी, वो ठीक हो गया, एकदम से ठीक हो गया। फिर क्या हुआ देखें, जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए। कहां पे बुलाया, खाने पे बुलाया, लेकिन अभी मीटिंग किस में चेंज हो गई है, शिफाया इबादत में। अभी क्रूसेड बन गया है, वहां पे लोग बीमारों को ला रहे हैं, और पौलुस रसूल क्या कर रहा है, चंगा दे रहा है। और खुदा क्या बोल रहा है, तुम लोगों ने इसे गधे घोड़ों के साथ मिलाया है। ये गधे घोड़ों के साथ नहीं मिला हुआ है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा प्यार करने वाला, मेरा क्या है, मेरा रसूल है। ये आम शख्स नहीं है। और जो जितने भी रूलर थे, जूलियस था, जहाज का कैप्टन था, अब मुझे बताएं पौलुस की क्या हालत हो रही होगी, कैसे उसको ये लोग ट्रीट कर रहे होंगे, सबके सब के यार अब कैप्टन कैप्टन नहीं है, कैप्टन ये है। जूलियस जो वहां पे सूबेदार था वो भी कुछ नहीं है, असल बंदा ये है। और ये खुदा आप सबकी जिंदगी में करेगा। नेक्स्ट पढ़ लें, प्रेस लॉर्ड। और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ, इनका जहाज टूट गया था, सारा सामान आप लोगों ने देखा फेंक दिया पानी में, लेकिन क्या बोला, जो कुछ उनको दरकार था उन्होंने वो सब कुछ जहाज पे रखा, एक नया जहाज इनको दिया। नेक्स्ट, और 3 महीने के बाद हम इस्कंदरिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा और जिसका निशान देस्कोरी था। 11वीं आयत है, 13वीं आयत पढ़ेंगे। और वहां से फिर खाकर रगीम में आए और एक रोज के बाद क्या चली, दखना चली, तो दूसरे दिन पतीली में आए। अब ये वाली पतीली नहीं है जिसमें खाना बनाते हैं, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, दखना से कहानी शुरू हुई। दखना क्या थी, साउथ विंड से कहानी शुरू हुई, साउथ विंड पे आके कहानी खत्म हुई। और खुदा आज आप सबके लिए इस चर्च में साउथ विंड रिलीज कर रहा है। वो जानता है, उसने देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग कई किस्म के तूफानों में से गुजर रहे हैं। कोई माली तूफान में से गुजर रहा है, कोई बीमारी के तूफान में से गुजर रहा है, कोई अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मेरी शादी बच जाए, शादी टूटने के करीब है, ऐसे रिश्ता टूटने के करीब है। कोई अपने औलाद के लिए परेशान हो रहा है कि मेरा बच्चा हाथ से निकल गया है, वो गलत रास्ते पे लग गया है। बहुत सारे तूफानों में से आप में से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। सिर्फ वो लोग जो वाकई तूफानों में से गुजर रहे हैं वो सिर्फ अपनी जगह पे खड़े हों। मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं और खुदा से दुआ करूंगा कि खुदा ये मशरकी साउथ विंड को इस जगह पे रिलीज करे, सिर्फ वो लोग जो तूफानों में से गुजर रहे हैं। खो भला मा शंथोरे बेसे के लभा रोशे के खोरी भाषखा खोरा मा शंथोरा बासे के। ये गैरत जो होती है ना, ये गैरत हमें मार देती है कि लोग अगर हम खड़े हो गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यहां आप लोगों के पास नहीं आए, यहां पे आप खुदा के पास आए। जो लोग खड़े हुए हैं उन सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। यहां पे हर वो शख्स आया है जो कोई ना कोई प्रॉब्लम में।
खुदा एक दफा फिर बोल रहा है, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है लेकिन उन्हें शर्म आ रही है खड़े होते हुए, और वो ये भूल रहे हैं कि शायद आज ही उनके छुटकारे का दिन है, आज ही खुदा उनको आजाद करना चाहता है। मत देखें राइट और लेफ्ट कौन है आपके, खुदा आपको छूना चाहता है और खुदा मशरिक की हवा को यहाँ पर रिलीज करना चाहता है। आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में मैं खुदावंद आपके कदमों में आता हूँ और आपका शुक्र अदा करता हूँ ये चर्च के लिए, चर्च के सारे लोगों के लिए, खुदावंद उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो पहली दफ़ा आए, खुदावंद उनके लिए मैं आपकी खास बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद कि आज जब ये पहली दफ़ा इस चर्च में आए खुदावंद, ये जब तक यूएई में रहें खुदावंद इस चर्च के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि खुदा उनकी ज़िंदगी में आज इम्पॉर्टेंट कुछ करने वाला है। ये ऐसे ही नहीं आए हैं बल्कि खुदा इनको आज यहाँ पे लेके आया है, ये इत्तेफाकन हादसा नहीं है बल्कि मेरी बहन मेरे भाई आपको खुदा यहाँ पे लेके आया है ताकि आप उसकी आवाज़ को सुन सकें। खुदा ने आपके आंसुओं को देखा है, खुदा ने आपकी परेशानियों को देखा है, खुदा ने आपके सारे मसलों को देखा है, आप किस तरह से इन हालात में से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका और पहाड़ का मुकाबला कोई भी नहीं है, आपका और तूफान का मुकाबला किसी तरह से भी बराबर नहीं है। आपको उस शख्स की ज़रूरत है जो तूफानों पर चलता है, उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। आसमानी बाप, इस वक्त मैं खुदावंद आपका खादिम होते हुए इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो यहाँ पे खड़े हुए हैं खुदावंद, उस सारे बुजुर्गों के लिए खुदावंद जो यहाँ पे खड़े हैं जो मुख्तलिफ किस्म के तूफानों में से गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से खुदावंद अपनी इस खुदावंद अहबाब शुमाली हवा को, शुमाल जुनूबी हवा को खुदावंद आप यहाँ पे रिलीज करें यीशु के नाम से। खुदावंद आप अपने बच्चों को खुदावंद अहबाब, आप खुदावंद अपने बच्चों को खुदावंद ऑनर और इज्जत के साथ खड़ा करिए। खुदावंद ये हवा सिर्फ उन हालात में निकलती है जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में टफ टाइम होता है, ऐसा टाइम, ऐसे तूफान जिसमें हम खड़े नहीं रह सकते, बहने लगते हैं, खुदावंद आप उस टाइम पे ये हवा को रिलीज़ करते हो और जब कुछ सब कुछ बहाल हो जाता है, जब लोग और दुनिया जान लेती है कि ये मामूली लोग नहीं है, ये तूफानों में मुस्कुराने वाले लोग हैं, ये तूफानों में हंसने वाले लोग हैं, ये तूफानों में खुदा के नाम के लिए अपने हाथ उठा के उसको ताजीम देने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। हम हमारी ज़िंदगी में जब तूफान आते हैं हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, हम इलाज कराने लगते हैं, हमें दिल का मर्ज हो जाता है, हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, लेकिन ये खुदा के लोग हैं जो तूफानों में मुस्कुराते हैं, तूफानों में हंसते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यीशु मसीह नासरी जो उम्मीद का सर चश्मा है, उसने बोला है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। माँ अपने बच्चों को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ये कीमती वादे उसने हमारे साथ किए हैं और जो अपने वादों में वफादार और सच्चा है वो यहाँ पे मौजूद है और वो आज आप सबसे वादा कर रहा है कि मैं इस तूफान में से तुम्हें बाहर निकाल के लेके आऊँगा, मैं इस तूफान में से बाहर निकालूंगा और तुम्हें नई होप और नई एनर्जी और नया जोर दूंगा। तुम उकाबों की तरह अस्तर नौ जवान होगे, आप पहले से ज्यादा ऊंची फ्लाइट लोगे, पहले से ज्यादा ऊंचा बाउंस करोगे, और ये खुदा आज आप सबके लिए बोल रहा है। आपका यहाँ आना बेफायदा नहीं है, आप देखिएगा रात से ही आपकी जिंदगी के सारी चीजें तब्दील हो रही हैं। खुदा इस हवा को रिलीज कर रहा है और आपको खुद फील होने लग जाएगा कि ये हवा, ये सुकून, ये इत्मीनान पता नहीं कहाँ से आ गया है। पहले मैं परेशान होता था, परेशान होती सारी रात जागता था, जागती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, अब मैं मीठी नींद सो रहा हूँ, क्योंकि दाऊद ने बोला है खुदावंद मैं मीठी नींद सोऊंगा, फकत तू मेरा निगेबान होगा। खुदावंद आप इन सब के निगेबान होइए और खुदावंद अपने बच्चों को आज़ाद कीजिए। ये जगह बंधन टूटने की जगह है, ये जगह आज़ादी की जगह है। खुदावंद आप लोगों को छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आए थे, आप नजात देने के लिए आए थे और नजात का काम अब तक चल रहा है। ये खाली रूहानी निजात नहीं है बल्कि खुदावंद माली निजात भी है, अफसरान से निजात भी है, दुश्मनों से निजात भी है। खुदावंद आप इन सबको निजात दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।